हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट अस कंटिन्यू आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने किया है, फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। उसके चार थर्मोडायनेमिक फंक्शन थे, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब हम कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, किससे एसोसिएटेड होता है, एंट्रोपी क्या होती है, उससे रिलेटेड काफ़ी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली हैं। और एंट्रोपी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, एनर्जी, और एनर्जी में भी कौन, बैड एनर्जी बोले तो हीट। तो सेकेंड लॉ में हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं या चेंज इन एंट्रोपी, तो डेफिनेटली चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, चलिए। तो गैसेज के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं कि भाई गैस, अगर गैसेज सिस्टम है तो डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट एक फॉर्मूला में याद रखना था और सबके लिए एप्लीकेबल हो गया था वो। उसके बाद आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर क्या बचा, फेज ट्रांजिशन। तो दुनिया में यही तो चीज़ें हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर फेज ट्रांजिशन, जो हमारे सिलेबस से एसोसिएटेड है। तो स्टार्ट तो देखो वहीं से होगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। मान लो ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है और इसकी हीट कैपेसिटी सी है, और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, डी टी अगर आ रहा है हीट की वजह से, तो मैं यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ इस सब्सटेंस के लिए, सी डी टी। तो बस इसको उठा के यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी बाय टी। सी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे डी टी बाय टी का तो क्या हो जाएगा, एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल। तो सी इज नथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट सी एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल डेल्टा एस सिस्टम। इस तरह से हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। सी क्या है यहाँ पे, टोटल हीट कैपेसिटी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो फिर मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर हीट कैपेसिटी को, तो टोटल आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 1 ग्राम के लिए होती है, मास से मल्टीप्लाई कर दो टोटल आ जाएगा। तो ये इस तरह से अपन इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो मोस्ट कॉमन होता है, कि मान लो कॉपर के दो ब्लॉक हैं सेम मास के, और उन दोनों को अपन एडियाबेटिक कंडीशंस, मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो एडियाबेटिक है, और उनको कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो डेल्टा एस क्या होगा। मान लो इस तरह का कोई चीज़ है कि ये एक कॉपर ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसके कांटेक्ट में हम दूसरा ब्लॉक लेके आ रहे हैं जिसका टेम्परेचर T2 है, और T2 बड़ा है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, मान लेते हैं ऐसा है, और इसके चारों तरफ एडियाबेटिक बाउंड्री है। इसका मतलब सीधा सा है कि हीट मतलब बैड एनर्जी, एंट्रोपी से जो एसोसिएटेड मैटर है वो ओनली इन ब्लॉक्स के अंदर ही है। हीट का फ्लो डेफिनेटली किधर होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इधर फ्लो होगा। इसकी वजह से यहाँ पे डिसऑर्डरनेस जो होगी वो डाउन होगी, और यहाँ पे डिसऑर्डरनेस अप होगी। लेकिन ये पूरा सिस्टम है हमारे लिए, ये कम्प्लीट एक सिस्टम है। तो इसके लिए अगर हमें फाइंड करना है तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन बचा हुआ है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। डेल्टा एस, इसको ब्लॉक ए बोल देते हैं, इसको ब्लॉक बी बोल देते हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी। इधर जितना डिक्रीमेंट हो रहा है वो इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों को सम कर देंगे। अब फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है, सी एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल। सब जानते हैं कि फाइनल टेम्परेचर दोनों में क्या हो जाएगा, सेम, उसको मैं टी फाइनल लिख लेता हूँ। तो ये सेम फॉर्मूला किस तरह से यहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं। डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ए, तो ये रहा डेल्टा एस ए, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद सी, कॉपर है तो सी दोनों के लिए सेम रहेगा, फिर उसके बाद एल एन टी फाइनल दोनों के लिए सेम रहेगा, इनिशियल इसके लिए मैं 1 लूँगा, इसके लिए मैं 2 लूँगा। तो बताइए डेल्टा एस ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, सी, उसके बाद एल एन टी फाइनल बाय व्हाट इज टी इनिशियल फॉर ए ब्लॉक T1, सेकेंड ब्लॉक के लिए फिर सी एल एन टी फाइनल बाय इनिशियल टेम्परेचर क्या है T2, करेक्ट।
बस अब दोनों में सी कॉमन आ जाएगा और ये दोनों जो हैं प्लस हो रहे हैं, तो सी एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल प्लस होते हैं तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो सी एल एन टी फाइनल स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू, करेक्ट। यहाँ दोनों का मास सेम है तो इसका मतलब जितनी हीट यहाँ ड्रॉप हुई है उतनी यहाँ पे इंक्रीज हुई होंगी, तो इस केस में जो टी फाइनल होगा वो क्या होगा, टी वन प्लस टी टू बाय टू होगा। तो इस टी वन प्लस टी टू बाय टू को अपन यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये फिर फाइनल क्या इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, सी एल एन टी वन प्लस टी टू रखेंगे अपन इसके, टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ टी वन टी टू, इस तरह से अपन ये बता सकते हैं। टी वन टी टू पता है, सी पता है, तो आराम से डेल्टा सिस्टम आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरह से अपन लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो डेल्टा से रिलेटेड सॉलिड लिक्विड का, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा सिस्टम फॉर फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशन के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा जो ऑलवेज वैलिड है, तो ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला डेल्टा सिस्टम की जगह मैं ट्रांजिशन लिख दूंगा, तो डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी ट्रांजिशन हो जाएगा। और अब ये देखना पड़ेगा कि फेज ट्रांजिशन के लिए क्या जनरल कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द फेज ट्रांजिशन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो ये कमेंट कर सकते हैं अपन, मोस्ट ऑफ द फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे वेपराइजेशन ऑफ वाटर है तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सपोज ये हमारे पास इनिशियली लिक्विड है, फिर ये थोड़ी देर के बाद में क्या बन गया, वेपर्स बन गया, तो ये हो रहा है फेज ट्रांजिशन, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो डेफिनेटली हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी डी क्यू। तो मोस्ट ऑफ द फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो टी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डी क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, डी एच, रीजन आइसोबैरिक हुआ ना फिर ये, तो बस अब ये कंडीशन लगा दो इसमें और हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, उसका यूज करेंगे। तो डेल्टा एस ट्रांजिशन टी ट्रांजिशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लो और डी क्यू की जगह डी एच लिख देंगे, उसका इंटीग्रेशन डेल्टा एच हो जाएगा। तो डेल्टा एस ट्रांजिशन इज नथिंग बट, इंटीग्रेशन करेंगे ना डी क्यू की जगह, तो ये 1 बाय टी ट्रांजिशन इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी ट्रांजिशन। बस डेल्टा एच आपको गिवन होगा, टी गिवन होगा, डिवाइड कर दो दोनों को, खत्म काम। अब यही फेज ट्रांजिशन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो सब जानते हैं कि वर्क जीरो हो जाएगा और डी क्यू क्या बन जाएगा उस केस में, डी एच नहीं डी ई बन जाएगा। तो इफ कुछ नहीं दे रखा है तो ये यूज करेंगे अपन, अब कंडीशन लगा देते हैं, इफ फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज इनक्लोज कंटेनर, तो उस केस में मैं डी क्यू को क्या लिखूंगा, डी ई लिखूंगा। तो डेफिनेटली डेल्टा एस ट्रांजिशन इज नथिंग बट डेल्टा ई ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टी ट्रांजिशन, ये फॉर्मूला बन जाएगा उस केस में। तो एक ये हो गया हमारे पास, कुछ भी नहीं दे रखा तो ये यूज करेंगे, और अगर कंडीशन दे रखी है तो फिर ये यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। अब ओवरऑल अपन बात करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए जो एक ही फॉर्मूले से बनाए हैं हमने। आइडियल गैसेस के लिए क्या बनाया था, डेल्टा सिस्टम इज नथिंग बट एन सी वी एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, ऑलवेज वैलिड है सभी प्रोसेस के लिए। दूसरा हमारे पास सॉलिड लिक्विड का हो गया, उसमें डी क्यू की जगह अपन हीट कैपेसिटी यूज कर लेंगे, और तीसरा हो गया फेज ट्रांजिशन।
और किसी में ये भी हो सकता है कि तीनों एक साथ हो रहे हों तो अलग अलग सम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी वाली चीज सिचुएशन भी कंसिडर कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें डेल्टा सिस्टम फाइंड करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा अपने आप में। क्या कि मान लो हमारे पास आई से -10 डिग्री पे, ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपन। मान लो हमारे पास आइस है, ये कंटेनर, इसमें हमने आइस ले रखी है, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स एट 110 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल सा सवाल है कि भाई ये आइस का कुछ अमाउंट है, मान लो एक्स ग्राम, 1 मोल 2 मोल, -10 से 110 डिग्री पे जा रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, ये है सवाल। तो बताओ ये फेज ट्रांजिशन है क्या? नहीं, सब जानते हैं कि पहले -10 को जब अपन हीट देंगे डेफिनेटली हम इसको बैड एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका बैडनेस दैट इज एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। कब तक सॉलिड रहेगा ये? -10 से 0 तक ये सॉलिड ही रहेगा। तो उस केस में अपने को सॉलिड वाला फॉर्मूला यूज करना है। फिर जैसे 0 आएगा फिर हीट देंगे हम, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो फेज ट्रांजिशन हो जाएगा। उस केस में फेज ट्रांजिशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कब तक चलता रहेगा फेज ट्रांजिशन? जब तक कि कंटेनर में पूरा लिक्विड नहीं आ जाता है। जैसे ही पूरा लिक्विड हो जाएगा तो अब हीट दे रहे हैं तो 0 से कहाँ जाएगा वो? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 तक अपन क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे? लिक्विड वाला यूज़ कर लेंगे। जैसे 100 हुआ उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फिर भी हीट दे रहे, वेपराइजेशन हो रहा है, फिर फेज ट्रांजिशन का फॉर्मूला लग जाएगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कंप्लीट वेपर्स नहीं आ जाती हैं। फिर उसके बाद और हीट देंगे तो वो 100 से 110 जाएगा। इस तरह से अगर कोई डायरेक्ट पाथ नहीं हो रहा है तो हर स्टेप का सम करते हुए चलेंगे तो उस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पूरा पाथ हमने सजेस्ट किया है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? आइस है, करेक्ट, -10 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको हीट प्रोवाइड की, तो डेफिनेटली अभी ये आइस ही रहेगा और इसका टेम्परेचर क्या आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ भी तो कुछ चेंज हुआ होगा, डेल्टा एस वन बोल दो। तो ये क्या हो रहा है? फेज ट्रांजिशन है क्या? नहीं, सॉलिड वाला केस है। तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा? सी किसका? आइस का, ln टी फाइनल। टी फाइनल कितना हो जाएगा? 273/263। इस तरह से ये अपन फाइंड कर लेंगे, डेल्टा से जाएगा आराम से आइस का। उसके बाद फिर हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फेज ट्रांजिशन होगा डेफिनेटली। तो इस केस में ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ गया? लिक्विड वाटर आ गया, बट टेम्परेचर इसका 0 डिग्री ही रहने वाला है। तो यहाँ जो डेल्टा एस टू आएगा वो क्या आ जाएगा? फेज ट्रांजिशन वाला फॉर्मूला, डेल्टा एच फ्यूजन आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन टी ट्रांजिशन। टी ट्रांजिशन बोले तो 273, ये दूसरा डेल्टा एस आ गया। फिर उसके बाद हम इसको और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब वाटर का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ जो डेल्टा एस आएगा, यहाँ जो डेल्टा एस आएगा उसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? प्योर लिक्विड और सॉलिड वाला। तो डेल्टा एस थ्री इज नथिंग बट, फिर यहाँ पे हीट कैपेसिटी किसके आ जाएगी? वाटर के, इंटू एलएन टी फाइनल 373/273। ये इस पार्ट का चेंज आ गया। फिर उसके बाद अपन और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में फिर फेज ट्रांजिशन चलेगा, क्या बन जाएगी? वेपर्स। टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। फेज ट्रांजिशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी 373। ये डेल्टा एस फोर आ गया। उसके बाद जब हम इसको और टेम्परेचर देंगे तो फिर ये हमारा जो टारगेट था वहाँ पहुँच जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुँच जाएगा। इस केस में जो डेल्टा एस आ रहा है वो क्या आ जाएगा? डेल्टा एस, फेज ट्रांजिशन नहीं है, ये गैस वाला हो गया,
तो डेल्टा एस अगर गैस के लिए आइडियल गैस है तो वो वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज गैस के लिए भी अपन हीट कैपेसिटी गिवन होंगी, तो सी फॉर गैस LNT फाइनल 383 अपॉन 373। इस तरह से ये फाइव स्टेप्स के थ्रू पांच डेल्टा एस आ जाएंगे, इन पांचों को सम कर दो तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसका डेल्टा एस आ जाएगा। इस तरह से हमें ये डेल्टा एस फाइंड करने होते हैं। तो ये आ गया डेल्टा एस सिस्टम, Δs1+, Δs2+, Δs3+, Δs4+, Δs5। बस तो इस तरह से अपन डेल्टा एस की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।